हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो बोन एंड जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। अब तक हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस सीरीज में हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि किस तरह से आर्थराइटिस के दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, यहाँ तक कि रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपकी फैमिली में किसी को जोड़ों का दर्द है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, तो ख़ास करके आप, जी हाँ आप, इस सीरीज़ को, इस एपिसोड को मिस मत कीजिएगा। हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में सालों से रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और जिनका मानना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और इस दर्द को भी, जोड़ों के दर्द को भी रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ देश के नंबर वन लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा की। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर वन लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थ्रो। आज हमारे साथ डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर गौरव शर्मा का। डॉक्टर गौरव, एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, ये सीरीज खास आपके लिए है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें फ़ोन कर पाएँ, डॉक्टर गौरव से बात कर पाएँ और अपने जीवन का दर्द हमेशा के लिए दूर भगा पाएँ। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, फ़ोन उठाइए और डॉक्टर गौरव से डायरेक्टली बात कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। डॉक्टर गौरव, हम बात करते हैं कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। मेरा पहला सवाल है कि आर्थराइटिस के दर्द को कंट्रोल करना और उसे रिवर्स करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इस प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा बात करते हैं कि हम कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि हम डायबिटीज़ के अंदर कहते हैं, लेकिन हम ये भी बताते हैं कि डायबिटीज़ के अंदर एक स्टेज आती है जहाँ पे हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आप किडनीज पर इफेक्ट आ जाता है और अगर आपका कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी कि अगर उसका स्कैफोल्ड ही, यानी उसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं बचा, तो हम बिल्डिंग किसके ऊपर बनाएंगे? उन कंडीशंस के अंदर हम रिवर्स नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका कार्टिलेज इंटैक्ट है, उसके अंदर डीजनरेशन आ रही है और उसके अंदर आपको प्रोग्रेशन हो रही है, उसको हम डेफिनेटली रिस्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हम न्यूट्रिएंट्स अंदर डालते हैं। हमारे पीछे बहुत सारी रिसर्च है जिसको हमने स्टडी किया है, इसलिए हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम आर्थराइटिस को भी रिवर्स करते हैं, और स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस को। कुछ इस तरह का भी दर्द होता है जैसे कि हड्डी से हड्डी लगनी शुरू हो जाती है, कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर हम व्यूअर्स को दिखाना चाहें, याद दिलाएंगे फिर से, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, नीला नीला और अलग रंग में है तो आसानी से दिख भी पाता है। तो जब ये घिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये हड्डी एक दूसरे के साथ टकराना शुरू करती है। इसको फेमर कहते हैं, इसको टिबिया कहते हैं। और जब इनकी रगड़ लगती है और साथ साथ ऑस्टियोफाइट्स बनने शुरू होते हैं, जो कि नुकीले पार्ट होते हैं हड्डी के, वो एक दूसरे के अंदर धंसते जाते हैं, दर्द करते हैं। और उसके बाद कुछ पेशेंट्स हैं जो, जिसको हमने पेंगुइन चाल बताया, कि साइड्स पर वज़न डालना शुरू करते हैं और दर्द के साथ चलते फिरते रहते हैं, हड्डी से हड्डी रगड़ लग के घिसनी शुरू हो जाती है, वहाँ पर उसकी खुरचन या हड्डी के जो पार्टिकल्स हैं वो हम जॉइंट के अंदर एक्सरेज के अंदर भी देख पाते हैं। तो हम अगर हमारे शरीर के अंदर कोई सिग्नल आ रहा है दर्द है, तो हमें उसको रेस्ट करने का मौका देना चाहिए, रिपेयर करने का मौका देना चाहिए। और उसके लिए हम पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं, पूरा तरीका, पूरी साइंस उसके पीछे समझाते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो ही करिएगा, नहीं समझ में आता तो आप राम भरोसे। Well, at this point, let's take another call. जी बिल्कुल। Hello? Hello? नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम और आप
किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं रमेश कुमार बात कर रहा हूँ, मैं अंडमान कुमार आइलैंड से बात कर रहा हूँ। वेल, इट्स सो गुड टू हैव यू हियर। आप जानते ही होंगे कि डॉक्टर गौरव हमारे बीच मौजूद हैं। जी। तो क्या आप उनसे बात करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बात करना चाहता हूँ। गो अहेड। रमेश कुमार जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपका जो दवाई है वो मैं ले चुका हूँ। जी तो बताइए, आपको प्रॉब्लम क्या थी और कैसे हम आपकी लाइफ को छू सके? जी एक्चुअली मेरा दोनों शोल्डर में करीब 5-6 साल से पेन था, तो आपका प्रोग्राम मैं टीवी पे देखा, तो फिर मैं कॉल करके फिर आपका जो डॉक्टर से उनसे बात किया और कंसल्टेंट से बात करने के बाद में वो लोग मुझे जो है वो दवा प्रिस्क्राइब करें, उसके बाद मैं 3 महीना आपका दवाई ले चुका हूँ। अभी फिलहाल 70-80% मेरा एकदम बहुत ही बढ़िया, मतलब आपने किसी फिजियो को दिखाया था, उन्होंने फ्रोजन शोल्डर की बात की थी जिसको हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं, ऐसी कोई डिस्कशन हुई थी, कोई डायग्नोसिस था आपके शोल्डर्स का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो एक बार मैंने MRI वगैरह कराया था जी, वहाँ पे तो कुछ बताया नहीं, डायग्नोस ठीक से हुआ नहीं, डायग्नोस ठीक नहीं हुआ। चेन्नई पे हुआ था। अच्छा। तो वापस हम लोग घर आ गए, फिर घर पे खा रही थी, दर्द की दवा मैं खा रहा था, बीच में पेन किलर्स खा रहे थे, कुछ भी जो है आपका प्रोग्राम मैं देखा, तो फिर जी आपसे कॉन्टेक्ट करके फिर जो है दवाई लिया। अभी मैं काफी आराम है, पहले तो जैसे ज्यादा वेट में गर्म उठा नहीं सकता था। जी बिल्कुल, काफी वेट उठा देता हूँ। उठा पाते हैं अपने सर से ऊपर उठा पाते हैं हाथ अब अभी? जी, मैं अपने जी उठा लेता हूं। वेरी गुड, फैंटास्टिक। यानी कि आपको कोई दूसरी बात है सर, अभी मैं दिवाली में मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, तो उसमें थायराइड हाइपर थायराइड का शिकायत थोड़ा मिला। हाइपर है या हाइपो? लो थायराइड है या हाइपर है? यानी कि आपका TSH काफी कम है। डॉक्टर को मैंने दिखाया था रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि एक बार टेस्ट में जो है दवा शुरू नहीं करना चाहिए, तो दो हफ्ता या तीन हफ्ता बाद दोबारा टेस्ट करवा के फिर वो सेम अगर रहता है तो फिर दवा चालू करेंगे करके उन्होंने कहा, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी। करेक्शन बताना चाहूंगा आपको कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको गलत इन्फॉर्म कर रहे हैं। अगर आपका थायराइड पॉजिटिव आ गया और अगर रिपोर्ट गलत नहीं है, उसके लिए इमीडिएटली आप चेक कराएं दूसरी लैब के अंदर, अगर सिमिलर रिपोर्ट आती है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, जो लेटेस्ट मेथड्स हैं दुनिया के अंदर, वो ये कहते हैं कि अगर आप सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म पे भी पहुंचते हैं, यानी कि आपके जो लेवल्स TSH के 3 से ऊपर होते हैं, उस स्टेज पे भी मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एनीवेज आ रहा है, यानी कि बाढ़ आ रही है तो पहुंचेगी आप तक। अभी पहला बहाव आया है तो यानी कि बड़ा भी आएगा, इससे पहले वो बड़ा हो जाए आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो ट्रीटमेंट करनी शुरू कीजिए। लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप अल्ट्रॉक्सिन लेते हैं, जिसको हम थायरोक्सिन थायरोनॉम नाम के प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, वो सिर्फ 20% पेशेंट्स में फायदा करते हैं। उसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि T4 को T3 में कन्वर्ट होना होता है और T3 को T2 में और T2 को T1 के अंदर, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन पेशेंट्स को बताना चाहूंगा, व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि थायराइड की जो ट्रीटमेंट है उसकी मेडिकेशन को कभी ना रोकें, 5 में से 1 की तो चांस है। हम एक अलग तरीके से इसको मैनेज करते हैं, लेकिन वो आपको मैं टेलीविजन से नहीं कर सकता, उसके लिए आपको हमसे पर्सनली मिलना पड़ेगा, उसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन आपके शोल्डर्स के अंदर आराम मिल गया, जब तक 100% आराम ना मिले तब तक यूज़ करते रहें, और आगे अगर ज़रूरत पड़े तो इसका कोर्स फिर से करें। तो रमेश कुमार जी, इतनी दूर से आपने हमसे बात की, हमें बहुत खुशी हुई, और ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। दोस्तों, डॉक्टर गौरव शर्मा और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। अगर आप अभी डॉक्टर शर्मा से बात करना चाहते हैं, एक्चुअली डॉक्टर जी से बात करना चाहते हैं, तो यही तो आपका मौका है, हमें फ़ोन कीजिए और डॉक्टर जी से बात कीजिए। एम आई राइट डॉक्टर जी? एब्सोल्युटली। वेल, आई अंडरस्टैंड कि जब हम डायबिट प्लस की बात करते हैं तो वो दोनों तरह की डायबिटीज़ में एग्जैक्टली फंक्शन नहीं कर पाता, पर अर्थराइटिस भी 2 प्रकार का है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो क्या दोनों प्रकार के अर्थराइटिस में अर्थराइट प्लस से राहत मिलती है? वेल, हमने जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इसके, वो इस तरीके से हमने डिज़ाइन किए हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दें, और एंटी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो कॉमन चीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर भी, इसलिए उनको रिलीफ मिलता है। और कभी हमें मौका लगेगा तो मैं कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में जरूर डिस्कस करना चाहूंगा हमारे पेशेंट्स के साथ। वेल, एट दिस पॉइंट लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। वर्मा जी, आप रायपुर से बात कर रहे हैं? जी
वेल डॉक्टर गौरव यहाँ हमारे साथ हैं, आप प्लीज उनसे बात कीजिए। वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, मैं बी आर वर्मा हूँ, रायपुर से। बी आर वर्मा हैं आप? 75 एज है आपकी वर्मा जी, क्या बात है। तो क्या परेशानी है आपको? वो अर्थराइटिस हो गया है। हो गया, अभी हुआ? करीब लास्ट जुलाई में हुआ था। लास्ट जुलाई में महसूस होना शुरू हुआ था दर्द जी? नहीं, वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। थोड़ा सा ज्यादा हो गया था जी? थोड़ा बहुत चलता फिर करा था। तो आप डॉक्टर से मिले थे, क्या कहा उन्होंने? वो डॉक्टर को तो मैं वहाँ बंगलो दिखाया था जी, तो वो लोगों ने तो बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी कर लीजिए, 1,25,000 का वो करवाया मैं। क्या करिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी बंगलोर में जी। फिर क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। खोया जरूर आपने 1,25,000 रुपया, हासिल तो कुछ नहीं हुआ, और ये काफी कोई छोटा अमाउंट नहीं है आपके। नहीं, अभी तो मैं आपका दवाई ले रहा था। अच्छा, अभी कैसे हैं आप? आपका दर्द कैसा है आपकी? अभी एक वीक में मेरा लड़का आया कई वजह से जी, तो उसके साथ में वो जो मेरे बोला था मुझको साइकिलिंग के लिए बोला था, 3 महीने से साइकिलिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड। 6 महीना से आर्थराइटिस प्लस जी, 5 मंथ से जिनार्थो। और इसको अगर आपको ऑपरेशन की बात कही गई थी, मैंने आपको एग्जामिन नहीं किया, कम से कम 1.5-2 साल तक इसको लीजिए, और जरूरत पड़ेगी तो इसका कोर्स फिर से कीजिएगा। तो वर्मा जी आप बढ़िया चल रहे हैं, इंजॉय कीजिए लाइफ और सेंचुरी की तैयारी करें, कम से कम 100 साल जीना है दौड़ते दौड़ते। वर्मा जी हमें फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप देख रहे हैं रिवर्सिंग आर्थराइटिस। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपकी फैमिली में किसी को भी जोड़ों का दर्द है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस दर्द को दूर भगाया जाए, तो यही वो प्लेटफॉर्म है। हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है। डॉक्टर गौरव, आप हमेशा कहते हैं कि सेंचुरी टच करनी है दौड़ के भाग के, तो ऐसे ही आपके एक पेशेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं, जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम राज है, मेरे घुटनों में 4 साल से बहुत परेशानी थी, घुटने में सूजन भी थी, उठना बैठना मेरे बिल्कुल मुश्किल हो गया था, ना मैं बैठ कर पूजा कर सकती थी, ना मंदिर जा सकी, गाड़ी से ही कहीं जाना पड़ता था। फिर मैंने डॉक्टर गौरव का टीवी में प्रोग्राम देखा, डॉक्टर गौरव की सप्लीमेंट की मतलब वे कैप्सूल लिए और साथ में पाउडर लिया, 4.5 महीने से मैं ले रही हूँ, मेरे बहुत फ़र्क है, आधे से ज़्यादा आराम है, इसलिए मैं डॉक्टर गौरव का थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिसने मेरे को अच्छा जीवन दिया, काम पे चल फिर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ। Well, happiness once again, success story once again. What do you feel, Dr. G? Well, आप मुझे बार बार पूछते हैं, बार बार यही एक ही जवाब दूंगा, लेकिन अगर किसी के अंदर इच्छा है तो रिजल्ट्स आते हैं, डिपेंड करता है कितना समय लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, एक मंजिल तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, बैठे बैठे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इन्होंने हम पे विश्वास किया, हमने इनको एक सोल्यूशन दिया, इनको फ़ायदा हुआ, ब्लेसिंग्स दी, ईश्वर को थैंक यू, आपको थैंक यू, हमारा दिन बन गया। वेल, हमारा दिन और भी बन जाएगा अगर आप जाने से पहले हमें प्यार के 2 शब्द सुनाएंगे हमारे ऑडियंस के लिए। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर करप्शन मेरे हिसाब से दुनिया की कंट्रीज़ में हम टॉप ही करेंगे, तो हमें शर्मिंदा होना चाहिए इसके ऊपर, और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? हमारे लोग, हम जैसे ही लोग जो इस तरीके से मजाक करते हैं, अपनी छोटी सी छोटे से लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से खिलवाड़ करते हैं, और इसका एक बड़ा अच्छा नमूना फिर से सामने निकल के आया है, जिसको हम कहते हैं GMO फूड्स। जब मैं ये नाम सुनता हूँ तो मेरा खून खौलता है। आपको कुछ नहीं होता क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके बारे में, क्योंकि उसके ऊपर इतनी परतें पड़ी हुई हैं कि आप समझ ही नहीं पाते। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स होते हैं उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर के ऊपर चेंजेस किए जाते हैं, यानी कि उसका जो डीएनए है उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं, और उनको तैयार किया जाता है कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी या अपनी फसल को बढ़ा सकें। जब हम इस तरह के खिलवाड़ या मजाक करते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाता है हमारे शरीर के अंदर। जब छोटे छोटे कणों में फूड्स, जो कि हमारा फ्यूल है, जो कि हमारा पेट्रोल है, हमारा डीजल है, जब वो टूटता है, जहाँ उसको कंफ्यूजिंग चीज़ें मिलती हैं, वीट के साथ ऑलरेडी हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन से,
बाकी सारे हमारे सीरियल्स के साथ हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन से नहीं बनते, अपनी अपनी जो जो खाना पूर्ति करना चाहते हैं कि सूखे में उग जाए, कम बारिश में उग जाए, वो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर कन्फ्यूजन लाती है। लेटेस्ट चीज़ है GMO, और GMO इंडिया के अंदर आई थिंक सो 10-15-20 साल से चल रहा है, और सिर्फ कॉटन के ऊपर परमिशन दी गई थी, और उस कॉटन को जब आप उगाते हैं तो कहा जाता है कि ये इसके ऊपर जो जो खरपतवार होती है, जो इंसेक्ट्स का जो अटैक होता है वो नहीं होता, यानी कि वो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ बनाई गई थी। तो हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि ईश्वर ने क्रिएट किया। अगर हम सोचते हैं, हम क्रिएशन करते हैं, तो आपके जो पेस्ट जो हैं, आपके जो बैक्टीरियाज जो हैं, आपके वायरसेस हैं, वो भी म्यूटेट करते रहते हैं। इसीलिए हमारे सुपर बग्स आ रहे हैं, हमारे ड्रग रेजिस्टेंट बग्स आ रहे हैं, जिनको हम बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं। तो इतने ही सालों के अंदर 10 से 15 वैरायटीज कॉटन की आ गई हैं जो कि उसको अटैक कर रही हैं। तो हम सोचते हैं कि हम रेस में आगे हैं, ईश्वर की जो क्रिएशन है जो रेगुलरली म्यूटेट करती है, एडजस्ट करती है, अडाप्ट करती है, इसी से हम आज एक ऐसे इंसान बन सके, क्योंकि हमारे कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं और आज भी हम एडजस्ट कर रहे हैं लाइफस्टाइल के हिसाब से। यानी कि मैं एक लाइफस्टाइल डॉक्टर हूं, मैं आपको सिखाता हूं। तो जब ये चेंजेस आते हैं तो वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं वो भी अटैक हो रहे हैं और उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो सरकार के जो लोग हैं, वो या तो मूर्ख हैं या उनका कोई और इंटरेस्ट इसके अंदर है। वो 13 तरह के फूड्स को इंडिया के अंदर फील्ड ट्रायल्स के अंदर लेके जा रहे हैं। अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं बहुत शोर मचाऊंगा, और अगर आप शोर नहीं मचाएंगे तो आपको वही बैगन खाना पड़ेगा जो आपके शरीर के अंदर जाके चेंजेस करेगा, और शायद आपकी दो पुश्तों के बाद आपके बच्चे बच्चे नहीं कर सकेंगे और आपको कैंसर देखना पड़ेगा। समझिए कि हमारी बॉडी का जो कॉम्पोजिशन होता है वो मॉलिकुलर लेवल पे बड़ा फाइन ट्यून्ड है। अगर हमने उसके साथ खिलवाड़ किया जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ, तो हमारी बॉडी के अंदर भी जेनेटिक चेंजेस आते हैं, और इस तरह की टेस्टिंग की जा चुकी है चूहों के ऊपर, और उनकी दूसरी और तीसरी जनरेशन के अंदर ऑलरेडी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, उनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे, वो इम्पोटेंट हो रहे थे, और साथ साथ कैंसर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। अगर चूहों के अंदर हो रहा है तो हमारा स्ट्रक्चर भी वैसा ही है। इसीलिए बच के रहें, शोर मचाएं, अभी चिंगारी उठ रही है, अभी बुझा दिया तो काम हो जाएगा, नहीं किया तो भुगतेंगे। लेकिन मैं आपसे थोड़ा समझदार हूं, क्योंकि मैं फ्यूचर के अंदर उस बैगन को, उस मस्टर्ड को जिसको हम सरसों कहते हैं, उस कॉटन को या किसी और चीज़ को जिसके अंदर वो लेके आ रहे हैं, जैसे कुछ दालों के अंदर भी पल्सेस के अंदर लेके आ रहे हैं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप अपनी जनरेशन को बचाना चाहते हैं जैसे कि मैं इंटरेस्टेड हूं, तो चलिए इसे लड़ाई करेंगे और कहेंगे बस, नो मोर GMO। थैंक यू, तब तक अपना ख्याल रखें। डॉक्टर गौरव, इतनी इन्फॉर्मेटिव स्पीच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अंकिता। थैंक यू।